पिहोवा में आशा वर्कर यूनियन और सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक पिहोवा में बलवान मोर की अध्यक्षता और मंच का संचालन जिला प्रधान पिंकी देवी ने किया। ब्लॉक पिहोवा के कर्मचारियों ने सरकारी अस्पताल में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पिहोवा बाजार में सरकार का जुलूस निकाला और प्रदर्शन करते हुए एसडीएम पिहोवा को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर आशा वर्कर यूनियन की उप राज्य प्रधान रानी देवी, आशा वर्कर जिला प्रधान पिंकी देवी, सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक पिहोवा प्रधान बलवान मोर, ब्लॉक सचिव मुकेश गोस्वामी, सीटू प्रेस सचिव अनिल कुमार, रिटायर कर्मचारी संघ से रोशन फौजी, बिजली बोर्ड से यूनिट सेक्रेटरी गुरचरण सिंह सिंधु और कर्मचारियों ने अपनी बात रखी और बताया कि आशा वर्कर यूनियन 42 दिनों से हड़ताल पर है, लेकिन हरियाणा सरकार तानाशाही कर रही है। आशा वर्कर 40 तरह के काम करती है, फिर भी उन्हें 4,000 रुपये वेतन दिया जाता है। अगर हरियाणा सरकार आशा वर्कर यूनियन से बातचीत करके समस्या का समाधान नहीं करती तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा अपने सभी विभागीय संगठनों के साथ आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेगा। आज के प्रदर्शन में सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। मेरी आप सभी से यही अपील रहेगी, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें अपना सुझाव जरूर साझा कीजिए। क्या नाम है मैम आपका? तो मैम आज आपकी हड़ताल है, तो क्या कुछ मांगे हैं और ये हड़ताल जो है कब तक जो है रहने वाली है? सर जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हमारी हड़ताल चलती रहेगी सर। ऐसे ही 4,000 में सरकार हमसे काम करवा रही है, हमारा बहुत ऊपर प्रेशर डालती है हमारे ऊपर, हमारा काम बहुत ज़्यादा है सर। तो क्या कुछ मांगे हैं आपकी जो आप जो हड़ताल कर रहे हैं? सर हमारी मांग 26,000 की है, जब तक सरकार हमारी कोई ये मांग पूरी नहीं करती सर हम हड़ताल पर। मेरा नाम मंजीत कौर है, मैं आशा वर्कर यूनियन की प्रधान हूँ जिला कुछ। तो आज आपके द्वारा जो राज्य स्तरीय स्ट्राइक की गई है, तो क्या कुछ मांगे हैं और ये स्ट्राइक जो है कब तक जो है चलने वाली? सर आज हमारी हड़ताल को 43वां दिन हो चुका है राज्य स्तरीय हड़ताल का, तो यही अभी तक हमारे पास जो मैसेज है वो 29 सितंबर तक का आया है। 25 तारीख को हमारा जेल भरो आंदोलन है सर, और 29 सितंबर तक हमारी हड़ताल चलेगी। क्या मांगे रखी हैं ये आपने सरकार? मांगे तो 2018 वाली है, कोई नई मांग नहीं हमारी, जो 2018 में रखी थी वही मांगे हैं। वही है कि न्यूनतम वेतन लागू करो, जो न्यूनतम वेतन हमारा बनता है, जैसे कि हम 40 काम फ्री में कर रहे हैं सरकार के, तो 40 काम का 4,000 रुपये देती है सरकार, जो हमारा साथ में दूसरा काम भी होता है, तो 4,000 देने पे सरकार ये कहती है पूरे हरियाणा में, पूरे देश में सबसे ज्यादा दे रही है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार सबसे ज्यादा तो दे रही है, लेकिन वो काम तो नहीं बता रही कि हम काम भी सबसे ज्यादा आशा वर्कर से ले रहे हैं। एक IFA होता है जो पूरी PSC को कवर करता है, वो पूरी PSC का काम ही हमारी आशा वर्कर खुद ही करती हैं, खुद ही टिक्के लगवाती हैं, खुद ही उसको ऑनलाइन करवाने का काम भी इन्हीं से करवाया जाता है। सर क्या नाम है जी आपके? मेरा बलवान मोर नाम है, SKS ब्लॉक प्रधान पिहोवा। तो आज हड़ताल में आप लोग समर्थन देने के लिए आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द आशा वर्कर की बातचीत करके समस्या का हल करें, इनकी मांगों को मान लें ताकि इनकी समस्या हो सके। तो जिस तरह से इनकी एक मांग, इनका कहना है कि 25 तारीख को जो है जेल भरो आंदोलन भी होगा और 29 तारीख तक जो है हमारा जो धरना प्रदर्शन जो चलता रहेगा, अगर जो सरकार बात इनकी नहीं मानती है तो क्या ये धरना प्रदर्शन आगे भी चलता रहेगा? इसके साथ सर्व कर्मचारी संघ कंधे से कंधा मिला कर जब तक हड़ताल चलेगी, जब तक हम दरी से नहीं उठेंगे। सरकार से यही बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि बातचीत से रास्ता निकाले और हड़ताल को समाप्त करें।